गोली मारी गई है। 19 वर्ष के उम्र के दिव्यांशु चौधरी पुत्र विजय चौधरी जो चौकी क्षेत्र एलवल के रहने वाले हैं, लगभग 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली जिला अस्पताल से कि इनको एडमिट कराया गया है जिला अस्पताल में, जहां इनकी मृत्यु हो गई है और इनको चेस्ट में गोली लगी है। जो दो लोग ले जाने वाले थे हॉस्पिटल में, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा किया गया है। यहाँ जाँच से अभी तक ये पता चला है कि जो घटनास्थल है उसके आसपास शाम के समय कुछ लड़के बैठते थे और कुछ बियर की बॉटल्स और शराब की बोतलें मिली हैं। घटना के बारे में अभी परिजनों के द्वारा कुछ नहीं बताया गया, उनके द्वारा मात्र इतना बताया गया कि ये शाम को 6 बजे घर से निकले थे और लगभग 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि जिला अस्पताल में इस प्रकार से एक व्यक्ति को लाया गया है उपचार के लिए। डिटेल में घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोली लगने से ही मौत हुई है सर? जो दो लोग हैं जिनके द्वारा भर्ती कराया गया उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, इनका भी रोल क्लियर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पुलिस को सूचना ना देना और डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाने के बाद और वहाँ से जिला अस्पताल से डॉक्टर्स के माध्यम से पुलिस के पास सूचना आना, इससे हम लोग बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर काम कर रहे हैं और पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। गोली लगने से ही मौत हुई पुलिस? हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही है, गोली लगने से मौत हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।